हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो देखिए, लास्ट वीडियो हमने व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत जो भी मनोवैज्ञानिकों ने दिए वो हमने पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने देखा कि फ्राइड ने जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया व्यक्तित्व का, वहीं शीलगुण सिद्धांत दो मनोवैज्ञानिकों ने दिया, एक ऑलपोर्ट ने दिया और दूसरा दिया कैटल ने। ठीक है, इसके अलावा जो है हमने देखा कि मुर्रे जो है उन्होंने मांग सिद्धांत दिया व्यक्तित्व का। तो ये इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जो कि आपको याद रखने हैं। अब हम देखेंगे व्यक्तित्व मापन की विधियां, जिसमें दो विधियां हैं, प्रक्षेपी विधियां और अप्रक्षेपी विधियां। इन विधियों में ही हम जो है टेस्ट पढ़ते हैं और उन टेस्ट के माध्यम से जो है व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। तो प्रक्षेपी विधियां वे विधियां हैं जहां पर बालक के जो अचेतन मन है उसका अध्ययन किया जाता है। अचेतन मन क्या है? जहां पर अतृप्त इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं का भंडार रहता है। ठीक है, और हमने देखा कि फ्रायड जो थे इन्होंने अचेतन मन जो है उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना, जहां पर उन्होंने कहा कि मन का जो है 90% भाग जो है वो अचेतन मन होता है, जहां पर व्यक्ति के विचार इच्छाएं जो है वो दमित हो जाती हैं और याद करने पर भी वो याद नहीं आती हैं। तो प्रक्षेपी विधियों के माध्यम से बालक के अचेतन मन का अध्ययन करते हैं और इन विधियों में व्यक्तित्व का मापन करने के लिए व्यक्ति को कुछ चित्र या कुछ कार्ड वगैरह जो है टेस्ट में दिखाए जाते हैं और उनको दिखाने का उद्देश्य यही होता है कि बालक में संवेगात्मक उत्तेजना पैदा हो। ठीक है, दूसरी है अप्रक्षेपी विधियां। तो अप्रक्षेपी विधियां, इसका संबंध जो है वो चेतन मन से होता है, प्रक्षेपी विधियों का अचेतन मन से और अप्रक्षेपी विधियों का चेतन मन से होता है। तो चेतन मन जो कि वर्तमान से संबंधित होता है, जो भी रोजमर्रा की चीजें हम देखते हैं, करते हैं, सुनते हैं, ठीक है, तो उससे संबंधित है अप्रक्षेपी विधियां। सबसे पहले देखिए प्रक्षेपी या प्रमापीकृत विधियां। तो प्रक्षेपी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया सिगमंड फ्राइड ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रक्षेपी शब्द का सबसे पहले जो है प्रयोग किसने किया? सिगमंड फ्राइड ने किया। और प्रक्षेपी विधियों का संबंध किससे है? हमारे अचेतन मन से है, जो कि 90% भाग है हमारे मन का। अचेतन मन में वस्तु को देखकर जो इच्छाएं बाहर निकले उनको पता करने की विधि है प्रक्षेपी विधि। ठीक है, तो सबसे पहली है प्रासंगिक अंतर्बोध या कथा प्रसंग परीक्षण। तो ये परीक्षण क्यों किया जाता है? बालक के अचेतन मन का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखें थीमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट इसका नाम है, इंग्लिश में भी एग्जाम में आ सकता है, इसे टीएटी टेस्ट भी कहते हैं। एग्जाम में इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वह भी पूछ ली जाती है कि टीएटी टेस्ट जो है जिसके प्रवर्तक कौन है? तो प्रवर्तक है मार्गन एवं मुर्रे। तो ये जो टेस्ट है इसमें 30 कार्ड होते हैं। ठीक है, 30 कार्ड होते हैं जिस पर काले और सफेद रंग के जो है वो चित्र बने होते हैं, जिसमें 10 चित्र पुरुष के होते हैं, 10 स्त्री के होते हैं और 10 पुरुष और स्त्री दोनों के मिलाकर होते हैं। इसके अलावा एक खाली कार्ड भी होता है। आपने जब बीएड किया था तब आपने ये टेस्ट जरूर किया होगा। तो एक खाली कार्ड होता है और इस कार्ड पर जो है इन चित्रों को देखकर कहानी लिखने को कहा जाता है। ठीक है, और यदि एक बच्चे को दिया जाए, ये चित्र दिए जाए, तो कम से कम 20 कार्ड जो है वो उसको इनमें से दिखाए जाते हैं। ठीक है, और कार्ड दिखाने के बाद कहा जाता है कि इनको देखकर जो है वो कहानी लिखो जो भी मन में आ रही हो, और 5 मिनट का जो है वो लगभग टाइम जो है इसमें दिया जाता है। तो बालक जो है कहानी में जिन शब्दों, विचारों, संवेगों, भावनाओं को काम में लेता है उन्हीं का अध्ययन करके मनोवैज्ञानिक बालक की व्यक्तित्व की घोषणा कर देते हैं। ठीक है, इसमें सभी चित्र जो है अर्ध निर्देशित होते हैं और चित्र बने हुए जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को दिखाने वाले होते हैं। ठीक है, और एक चित्र को देखकर कहानी लिखने को कहा जाता है। तो ये जो चित्र होते हैं पुरुष स्त्री के, तो इसमें जो भी जीवन की परिस्थितियां होती हैं उसको दिखाया जाता है। तो देखकर बालक जो है वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। 14 वर्ष से अधिक बालक बालिकाओं पर ये टेस्ट होता है और ये प्रयोग जो है वो व्यक्तिगत यानी एक सिंगल पर्सन पर भी होता है, सिंगल बच्चे पर भी होता है और एक क्लास पर यानी एक समूह पर भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखें कि टीएटी टेस्ट जो है जिसके प्रतिपादक कौन है? मार्गन एवं मुर्रे हैं। परीक्षण में कुल
31 कार्ड लिए गए, जिसमें 30 कार्ड जिन पर चित्र बने थे, 10 पुरुष, 10 स्त्री और 10 दोनों के, और एक खाली कार्ड दिया गया जिसमें कहानी लिखने को कहा गया। उम्र जो है वो ध्यान में रखें, एग्जाम में आती है कि इसमें उम्र जो है वह कितनी ली गई, तो 14 वर्ष से अधिक बालक बालिकाओं पर किया गया। ये भी पूछा जाता है कि ये परीक्षण जो है वह व्यक्तिगत रूप में किया जाता है या सामूहिक रूप में, तो ये दोनों रूपों में किया जाता है। दूसरा परीक्षण है बाल संप्रत्यय परीक्षण, तो नाम ही है बाल, यानी कि इसमें जो है वो बालक होंगे, छोटे छोटे बच्चे लिए जाएंगे। चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, CAT कहा जाता है इसको। इसके प्रवर्तक हैं लियोपोल्ड बेलोक, 1948 में इन्होंने इसका निर्माण किया परीक्षण का, और आगे लेकर गए डॉक्टर अर्नेंट क्रिस, ठीक है, इन्होंने इसका विकास किया। तो TAT में हमने देखा वहां पर कुल 31 कार्ड हैं, जिसमें 30 जो हैं चित्र वाले और एक खाली। यहां पर कुल कितने कार्ड हैं? 10, ठीक है, और इन पर जानवरों के चित्र जो हैं वो दिखाई दिए गए, जिसमें जानवर जो हैं वो बिल्कुल व्यक्ति की तरह जो है वो कार्य करते हुए, व्यवहार करते हुए जो है दिखाई दिए जा रहे हैं, ठीक है। और इन्हीं चित्रों को देखकर बालकों को कहा गया कि चित्र जो देखकर बालकों को कहा गया कि कोई कहानी जो है वो लिखें। तो 3 से 14 वर्ष के बालकों पर ये प्रयोग किया जाता है, जबकि TAT जो है वो 14 वर्ष से अधिक उम्र के बालक बालिकाओं पर किया जाता है। TAT की तरह यह भी व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में होता है। भारत में उमा चौधरी ने CAT परीक्षण जो है वो 1988 में किया, तो ये इम्पोर्टेंट है लाइन और एग्जाम में ये पूछी जाती है। तो एक बात और है कि यहाँ पर जो ये कुल कार्ड जो 10 थे जिनमें जानवरों के चित्र बने थे, तो ये जानवर भी कैसे थे? विदेशी जानवर थे, ठीक है, विदेशी जानवरों के चित्र बने हुए थे। तो भारत में उमा चौधरी ने CAT परीक्षण किया 1988 में, लेकिन इसे जो है लागू नहीं किया भारतीय बालकों पर, क्योंकि जो इंडियन जो बच्चे थे उनको विदेशी जानवरों के चित्रों के बारे में पता ही नहीं, ठीक है, इस वजह से इन्होंने लागू नहीं किया। फिर देखें प्रक्षेपी विधियों में अगला परीक्षण है शाही धब्बा परीक्षण, इंक ब्लॉक टेस्ट या IBT इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसके प्रवर्तक हैं हरमन रोडशा, चिकित्सक रहे, 1921 ईस्वी में शाही धब्बा परीक्षण जो है इसका प्रयोग किया। कुल कार्ड यहाँ पर भी कितने हैं? 10 कार्ड हैं। TAT में कितने कार्ड थे? 30 कार्ड भरे हुए और एक खाली कार्ड। उसके बाद CAT में कितने थे? 10 कार्ड थे, और यहाँ पर IBT में भी कितने कार्ड हैं? 10 कार्ड हैं, ठीक है। तो इसमें 10 कार्ड होते हैं, जिनमें से 5 जो हैं वो कार्ड कैसे हैं? काले और सफेद हैं, 2 कार्ड काले और लाल हैं, और 3 अन्य रंग के कार्ड हैं, यानी इन रंगों को छोड़कर अन्य रंगों के कार्ड हैं। अब देखिए बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ पर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कि शाही धब्बा परीक्षण इंक ब्लॉक टेस्ट में जो कुल 10 कार्ड लिए गए हैं शाही के धब्बों की आकृति के, तो उनमें से 5 कार्ड जो हैं वो किस रंग के हैं, ठीक है। तो अब आप यहां पर ध्यान नहीं रख पाओगे, ठीक है। तो देखिए काला सफेद और काला लाल, ठीक है, काला सफेद जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये इनकी संख्या ज्यादा है, 5 कार्ड हैं। उसके बाद है काला और लाल कार्ड, तो इनकी संख्या 2 है, और बाकी 3 जो बच गए वो अन्य रंग के कार्ड हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। तो इन कार्ड को दिखाने के बाद जो है वो बालक को कुछ जो है वो प्रश्न पूछा जाता है। तो शाही के धब्बे की आकृति जो है इन कार्डों पर बनी होती है, और इनके उत्तर जो है वो बालक लिखित या मौखिक रूप से देता है, और उन्हीं का अध्ययन करके जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो बालक के व्यक्तित्व की घोषणा कर देते हैं, ठीक है। कुछ भी जो है वो यहाँ पर डार्क सा जो है वो आपको शाही का धब्बा जो है नजर आएगा, काला सफेद या काला लाल, ठीक है, उसको देखकर कोई भी आकृति जो भी माइंड में आ रही हो तो उसको देखकर लिखना होता था। तो IBT परीक्षण जो है इसमें बालक के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर उम्र जो है वो 14 वर्ष से अधिक या 13 से 19 वर्ष तक के बालकों के लिए ये उपयोगी है, और ये केवल परीक्षण कैसा है? व्यक्तिगत परीक्षण है, केवल एक ही समय पर एक ही बालक के ऊपर किया जाता है, सामूहिक परीक्षण ये नहीं है। जबकि हमने देखा कि प्रक्षेपी विधियों में TAT और CAT दोनों ही परीक्षण ऐसे हैं जो कि व्यक्तिगत और सामूहिक है।
वाक्य पूर्ति परीक्षण, सेंटेंस कंप्लीटिशन टेस्ट, यानी कि सेंटेंस को कंप्लीट करना है ऐसा टेस्ट, SCT। प्रवर्तक हैं पाइन व टेंडलर, जिन्होंने 1930 ईस्वी में ये परीक्षण जो है किया। और इस परीक्षण में जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, यानी रिक्त स्थान, इनकी पूर्ति करना, तो इस आधार पर बालक को कुछ वाक्य या कुछ कहानी जो है वह दी गई, और अधूरे वाक्य जो है इनको, अधूरा जो है उसको छोड़ा गया और कहा गया कि इसमें जो है आपको जो भी समझ में आए इसमें भरिए, ठीक है, जो भी शब्द समझ में आता है वो इसमें भरिए। और उन्हीं का अध्ययन करके मनोवैज्ञानिक जो है वो बालक के व्यक्तित्व का जो है घोषणा कर देते हैं। भारत में इसका विकास जो है वो केंद्रीय शैक्षिक और व्यवसायिक संस्थान के मनोवैज्ञानिक विभाग ने किया। तो सोचिए उमा चौधरी ने कौन से परीक्षण किया था, तो उमा चौधरी ने CAT परीक्षण किया था भारत में। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण, फ्रीडम वर्ल्ड एसोसिएट टेस्ट, FWAT या फैट आप बोल सकते हो, ठीक है, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण। तो स्वतंत्र यानी कि इसमें फ्री है बच्चा, कोई भी बालक या बालिका अपने शब्दों को लिखने में। इसके प्रवर्तक हैं गाल्टन, और यह भी व्यक्तिगत रूप से प्रयोग में लिया गया परीक्षण है। स्वतंत्र शब्दों के माध्यम से इसमें भावनाएं जो है वो बाहर निकाली जाती हैं, और व्यक्तिगत मापन की ये निदानात्मक विधि है, यानी कि ये जो विधि है इसमें बालक के सामने कुछ जो शब्द हैं वो पेश किए जाते हैं, और इन शब्दों की प्रतिक्रिया के रूप में बालक जिन शब्दों को काम में लेता है उन्हीं का अध्ययन करके मनोवैज्ञानिक बालक के व्यक्तित्व की घोषणा कर देते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर यह है कि व्यक्तित्व मापन की निदानात्मक विधि जो है इसमें से कौन सी है, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण। नेक्स्ट विधि है खेल या ड्रामा विधि, जिसके प्रतिपादक हैं JL मोरनो या JL मुनरो। तो यहां पर भी बालक को अपने अचेतन मन की जो भी इच्छाएं दबी हुई हैं उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए, यानी कुछ समय के लिए उसने अपनी इच्छाओं को दबा दिया है, ठीक है, अब उनको जो है वो भूल गया है, तो वो जो दमित इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए कुछ जो है इसको अधिकार या स्वतंत्रताएं दी जाती हैं, और उसके अकॉर्डिंग अपनी इच्छाओं को जो है वो पूरा करता है। जैसे कि कोई ड्रामा वगैरह है वही की करवाया जाता है, या कोई नाटक जो है वह होता है उसके द्वारा जो है व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, ठीक है। तो ये विधि जो है जो बहुत गंभीर रूप से पीड़ित लोग होते हैं, कलाकार जो होते हैं, चित्रकार जो होते हैं, उन पर ड्रामा विधि या खेल विधि जो है वो प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट है अप्रक्षेपी विधियां। अब ये जो विधियां हैं इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, चेतन मन का अध्ययन किया जाता है। चेतन मन का अध्ययन करने के लिए भावनाओं को चेतन मन से उसी समय प्रस्तुत करना होता है, क्योंकि ये वास्तविकता से संबंधित है, अनुभव विचार या पसंद पर ये निर्भर रहती है। अप्रक्षेपी विधियों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहली है आत्मनिष्ठ विधि, दूसरी है वस्तुनिष्ठ विधियां, और तीसरी है मनोविश्लेषणात्मक विधियां। तो मनोविश्लेषणात्मक विधियां जिसमें फ्राइड आएंगे, तो आगे हम इनको देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे आत्मनिष्ठ विधियां, जिसमें है आत्मकथा या अंतर्दर्शन विधि। आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी। तो यहाँ पर क्या होता है, व्यक्ति जो है जो भी उसके साथ घटित हुआ है, कुछ भी जो भी उसने बहुत सारी परिस्थितियां जो देखी थी, जहां उसने कार्य व्यवहार किए थे, उसको जो है वो अपनी डायरी में लिखता है, यही होता है आत्मकथा, ठीक है। तो ये जो विधि है ये अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं ही अपने बारे में जो है वो निष्कर्ष निकालता है, और इस विधि के द्वारा दिए गए निष्कर्ष जो है वो सही हो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि व्यक्ति ने खुद ने अपने बारे में लिखा है, वास्तविकता पर आधारित ये नहीं होती है, ठीक है। तो इस विधि का प्रयोग जो है वो बहुत कम किया जाता है। प्रवर्तक हैं विलियम बुंट और टिचनर, सबसे प्राचीन विधि है। इस विधि का प्रयोग सबसे कम होता है, कि व्यक्ति खुद ही करता है, निष्कर्ष पर खुद ही पहुंचता है, और अपने बारे में तो वो अच्छा ही लिखेगा,
टिचनर के अनुसार अंदर की ओर देखना या अंदर की ओर झांकना ही अंतर दर्शन है। अब देखिए, अच्छा भी लिखता है व्यक्ति और अपने बारे में कुछ ऐसी घटनाएं जो कि किसी को नहीं बता सकता है वह भी लिख देता है, लेकिन फिर भी जो है व्यक्ति स्वयं अपने बारे में लिख रहा है, जो जिन निष्कर्ष पर वो पहुंचेगा वो निष्कर्ष सही हो या वास्तविकता पर आधारित हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जब तक दूसरा व्यक्ति उसको उन चीजों को नहीं देखता है तब तक उन चीजों का पता नहीं चलता है कि ये चीजें वाकई में सही हैं या गलत हैं। ठीक है, तो ये अमनोवैज्ञानिक विधि है। फिर देखिए व्यक्ति इतिहास विधि, केस स्टडी मेथड। अब यहाँ पर नाम से ही पता लग रहा है कि व्यक्ति के इतिहास को जानने की विधि है। और वो क्यों है, इस विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है? जब हम देखते हैं कि कोई बालक जो है वो असामान्य व्यवहार कर रहा है तो उसके व्यवहार को पता करने की जो है ये बहुत अच्छी विधि है। इसके प्रवर्तक कौन है? टाइडमैन है। समस्यात्मक और बाल अपराधी बालकों के अध्ययन हेतु ये उपयोगी विधि है कि कोई जो बच्चा है वो क्लास में समस्या क्यों पैदा कर रहा है, पूरी क्लास को डिस्टर्ब क्यों कर रहा है, बाल अपराधी क्यों है, क्यों दूसरे बालकों को चोट पहुंचाता है, बार बार स्कूल से भागने की जो है ये प्रवृत्ति उसके अंदर क्यों है। ठीक है, तो इसके लिए बालक के माता पिता, दादा दादी, परिवार के जो सदस्य हैं, दोस्त हैं, टीचर जो हैं, उनसे इस बारे में पूछा जाता है। ठीक है, और फिर क्या किया जाता है, निदान किया जाता है, उस समस्या को समाधान किया जाता है। नैदानिक मनोविज्ञान में विशेष रूप से ये उपयोगी विधि है। प्रश्नावली विधि, जिसे कागज पेंसिल विधि भी कहा जाता है, इसके प्रतिपादक जो है कौन है? प्रवर्तक हैं सुकरात, जो कि आदि जनक माने जाते हैं, और आधुनिक जनक हैं वुडवर्थ। तो वुडवर्थ जो है इनको गत्यात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। प्रश्नावली विधि यानी कि प्रश्नों के माध्यम से जाना जाता है यहाँ पर। तो देखिए प्रश्नावली विधि के चार प्रकार हैं, बंद प्रश्नावली, ऐसी प्रश्नावली जिसमें दिए गए प्रश्न उत्तर में केवल सही गलत बताना है, बच्चा अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता, इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसका केवल राइट या रॉन्ग में जो है वो आंसर दे। ठीक है, तो ये बंद प्रश्नावली है। खुली प्रश्नावली जिसमें दिए गए प्रश्न के उत्तर जो है लिखित रूप में देना होता है, यानी कि यहाँ पर स्वतंत्र है बालक कि वह जो भी प्रश्न पूछा गया है वह अपने शब्दों के माध्यम से लिखे। चित्रित प्रश्नावली, यहाँ पर चित्र जो है वो काम में लिए जाते हैं। क्यों काम में लिए जाते हैं? क्योंकि ये जो प्रश्नावली का प्रयोग है ये छोटे बच्चों में, जिनको चित्रों के माध्यम से ही हर बात को बोलना आता है, मंद बुद्धि जो कि प्रश्नों के उत्तर जो है लिखित रूप में नहीं दे सकते हैं, ठीक है, अनपढ़ लोगों के लिए जो पढ़ नहीं सकते हैं, लिख भी नहीं सकते हैं, तो उनके लिए चित्रित प्रश्नावली प्रयोग में ली जाती है। मिश्रित प्रश्नावली, जब एक ही प्रश्नावली में तीनों ही प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया जाता है, यानी कि चित्रों के माध्यम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और उनको जो है लाइन एक है क्वेश्चन दे दिया जाता है, उसका आंसर लिखित रूप में लिखना होता है, और तीसरा उनको जो है प्रश्न दे दिए जाते हैं और राइट रॉन्ग उनको बताना होता है। ठीक है, तो प्रश्नावली विधि जो है वो चार प्रकार की होती है। फिर देखें अगली है आत्मनिष्ठ विधियों के बाद में। हमने आत्मनिष्ठ विधियों में देखा सबसे पहली अंतरदर्शन विधि जो कि विलियम बुंट और टिचनर के द्वारा दी गई। ठीक है, जिसमें व्यक्ति जो है वो अपने अंदर झांक कर और अपनी जो भी बातें होती हैं उनको लिखता है, जिसे आत्मकथा विधि भी कहा जाता है। दूसरी हमने देखी व्यक्ति इतिहास विधि, जिसके प्रतिपादक कौन है? टाइडमैन है, जहां पर व्यक्ति के इतिहास की जानकारी लेकर जो भी समस्या है उसका निदान किया जाता है। फिर हमने प्रश्नावली विधि देखी जिसके चार प्रकार हैं, बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, चित्रित प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली। अगला देखिए आत्मनिष्ठ विधियों के बाद में वस्तुनिष्ठ विधियां। वस्तुनिष्ठ विधियां जो हैं ऐसी विधियां होती हैं जिसमें दूसरों के द्वारा मापन किया जाता है। सबसे पहली है निरीक्षण या बहिर्दर्शन विधि। इस विधि के प्रतिपादक कौन है? वॉटसन है, और इस विधि में मनोवैज्ञानिक विभिन्न परिस्थितियों में बालक के कार्य और व्यवहार का अध्ययन करते हैं और बालक के बारे में निष्कर्ष प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर जब हमने आत्मनिष्ठ विधि देखी थी तो अंतरदर्शन विधि में क्या था कि वहां पर व्यक्ति जो है वो अपने
अंदर जो है झांकता है, देखता है, जब निष्कर्ष पर पहुंचता है, और वहां पर जो भी वो जानकारी निकालता है वो वास्तविकता पर आधारित तो नहीं होती है, सत्य हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर दूसरा व्यक्ति कर रहा है, मनोवैज्ञानिक जो है वो बालक के कार्य व्यवहार का अध्ययन करता है और बालक के बारे में फिर अंतिम निष्कर्ष निकालता है। क्रम निर्धारण मापनी, क्रम निर्धारण मापनी जिसके प्रवर्तक कौन है, थर्स्टन है, यहाँ पर आंकड़े जो है वो एकत्रित किए जाते हैं और फिर निष्कर्ष निकाला जाता है। व्यक्ति के बारे में जो भी सूचनाएं होती हैं उनको इकट्ठा किया जाता है और फिर जो है वो अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। तो यहाँ पर जो भी परीक्षण हो रहे हैं, जो भी ये विधियां अपनाई जा रही हैं, वो दूसरों के द्वारा की जाती हैं। समाज मिति विधि जिसके प्रवर्तक कौन है, J.L. मोरेनो, जहां हमने देखा था कि खेल और नाटक विधि, प्रक्षेपी विधियों में जो हमने पढ़ा था खेल और नाटक विधि, वह भी किसकी थी, J.L. मोरेनो की। तो समाज मिति विधि इसके प्रवर्तक भी कौन है, J.L. मोरेनो है, और ये व्यक्तित्व मापन की एक सामूहिक विधि है। कैसी विधि है ये, सामूहिक विधि है। इस विधि में एक ही समय में एक साथ संपूर्ण समाज, सामूहिक विधि है तो इस वजह से एक ही जगह पर एक ही टाइम में उस पूरे समाज, सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक संगठन आदि सभी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये समाज के ऊपर लागू होती है ये विधि। अगला देखिए साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू जिसे आप सभी जानते हो, जहां पर जो है तीन चार लोग जो है वो बैठ जाते हैं सामने और एक व्यक्ति का जो है क्या लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, उसके बारे में जो है वह पूछते हैं और उसके बाद अंत में जो है वो राय सभी मिलकर लेते हैं कि इस व्यक्ति के बारे में हमने जो भी वार्तालाप की है, जो हमने उद्देश्य निर्धारित किया था, क्या वह इस पर सटीक बैठा है या नहीं। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी भी विषय वस्तु पर जो भी उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप करता है तो वही क्या कहलाता है, साक्षात्कार कहलाता है। ठीक है, और इंटरव्यू के माध्यम से बालक के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक विचार अभिव्यक्ति है, आत्मविश्वास है उसका, ठीक है, और उस विषय वस्तु पर उसको कितना ज्ञान है, इन सभी पक्षों का अध्ययन जो है यहाँ पर किया जाता है और बाद में जो है यहाँ निष्कर्ष निकाला जाता है, बालक के व्यक्तित्व की घोषणा की जाती है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। साक्षात्कार विधि इसकी शुरुआत कहाँ हुई, अमेरिका से हुई, और ये सबसे अच्छी विधि, सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी भी विषय वस्तु पर जो भी उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप करता है वही क्या कहलाता है, साक्षात्कार कहलाता है। तीसरी विधियां हैं मनोविश्लेषणात्मक विधियां। तो यह हम अप्रक्षेपी विधि के बारे में ही पढ़ रहे हैं जिसमें चेतन मन का अध्ययन किया जाता है। तो ये किसने दी, फ्राइड ने दी। सबसे पहली है मुक्त साहचर्य विधि। तो मानसिक रोगियों के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है और इसमें मनोचिकित्सक व्यक्ति को सम्मोहित कर अर्धचेतन अवस्था में लाकर प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, व्यक्ति को सम्मोहित किया जाता है और उसे अर्धचेतन अवस्था में, यानी कि बेहोशी की अवस्था में, ठीक है, जब वह चेतन और अचेतन इसके बीच में हो, उससे प्रश्न पूछा जाता है जिससे अंतर मन में छिपी इच्छाएं, भावनाएं, ग्रंथियां प्रकट होती हैं और इसके आधार पर उसके मनोरोगों का पता लगाया जाता है। स्वप्न विश्लेषण विधि, तो फ्राइड ने दूसरी विधि बताई, स्वप्न विश्लेषण विधि। इस विधि में बालक को जो भी सपने आते हैं, ठीक है, जो भी सपने दिखाई देते हैं, उन सपनों को बालक लिखित या मौखिक रूप से मनोवैज्ञानिक को बताता है और उन्हीं सपनों का अध्ययन करके मनोवैज्ञानिक बालक के व्यक्तित्व की घोषणा कर देते हैं। जो आपने सुना होगा नार्को टेस्ट, ठीक है, तो उसमें स्वप्न विश्लेषण विधि को ही काम में लिया जाता है। इस विधि में व्यक्ति से उसके स्वप्नों का वर्णन करने के लिए कहा जाता है और स्वप्न विश्लेषण के आधार पर अतृप्त इच्छाओं या इच्छा पूर्ति में बाधक तत्वों का पता लगाकर उसका निराकरण किया जाता है। तो नार्को टेस्ट जो है इसका आप एग्जाम्पल लिख लेना, याद रहेगा कि फ्राइड की दो विधियां हैं। एक तो विधि कौन सी थी, मुक्त साहचर्य विधि, ठीक है, जिसमें जो व्यक्ति है, जिस पर परीक्षण किया जा रहा है, उसको अर्धचेतन अवस्था में लाया जाता है और फ्री होकर जो है वो अपनी जितनी भी भावनाएं हैं, छिपी हुई जितनी भी इच्छाएं हैं, उनको व्यक्त करता है। दूसरा स्वप्न विश्लेषण विधि, जिसमें
जो भी सपने व्यक्ति को आते हैं तो उन सपनों को बालक लिखित या मौखिक रूप में जो है मनोवैज्ञानिक को बता देता है, और इन सपनों का ही अध्ययन करके मनोवैज्ञानिक जो है वो बालक के व्यक्तित्व जो है उसका पता लगाते हैं, ठीक है, और जो भी परेशानियां हैं उनका निराकरण करते हैं। तो यहाँ पर व्यक्तित्व की जितनी भी विधियाँ थी, प्रक्षेपी विधि, अप्रक्षेपी विधि, वो कंप्लीट होती हैं। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। प्रक्षेपी विधि जो है कौन कौन सी है, सबसे पहले हमने देखा TAT, दूसरा हमने देखा था CAT, ठीक है, तीसरा हमने इंक ब्लॉक टेस्ट यानी IBT, वाक्य पूर्ति परीक्षण, खेल और नाटक विधि। ये सभी विधियाँ कौन सी थी, प्रक्षेपी विधियाँ थी जिसमें अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। दूसरी हमने अप्रक्षेपी विधियां देखी जहां पर चेतन मन का अध्ययन किया जाता है, जिसमें हमने देखा कि आत्मनिष्ठ विधियां जो हैं अंतर्दर्शन विधि और व्यक्ति इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि, ठीक है। फिर हमने जो है वस्तुनिष्ठ जो विधियां देखी जिसमें हमने देखा साक्षात्कार विधि, समाजमिति विधि, प्रश्नावली विधि देखी। लास्ट में हमने जो है फ्रायड की मनोविश्लेषणात्मक जो विधियां हैं, दो हैं, एक तो है स्वप्न विश्लेषण विधि और दूसरी है मुक्त साहचर्य विधि। यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको व्यक्तित्व का चैप्टर जो है वो पढ़ाया है। वीडियो बार बार देखिए जिससे कि आपको थ्योरी जो है किस किसने दी है ये आपको याद हो सके। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक रहे ये आप याद कर पाएं, ठीक है, विशेषताएं आप याद कर पाएं, सिद्धांत किस किसने दिया, व्यक्तित्व के प्रकार जो है वो किस किसने वर्गीकरण करके बताया, तो ये सभी आपको याद होने चाहिए। बार बार वीडियो को सुने जिससे कि आपको ये याद होंगे। इन वीडियो को बनाने के लिए, नोट्स को तैयार करने के लिए देखिए बहुत मेहनत जो है लगती है, बहुत सारी ऑथेंटिक बुक जो है वो कलेक्ट करके और फिर जो है ये नोट्स तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो इतने अच्छे आपको मिल रहे हैं नोट्स, तो इनका फायदा उठाएं और आराम से जो है वो तैयारी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।